राधा स्वामी सहाय सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर साप्ताहिक सत्संग तारीख 26 मार्च 1978 हजूर पुरनूर शहनशाह आलम मालिक कुल करमदयाल जी महाराज के प्रवचन मौज मालिक मौज मालिक मौज मालिक से न्यारा साधो शब्द सवन से न्यारा कोई जानेगा जान नहारा कोई जानेगा जान नहारा जोगी जते तपे सन्यासी अंग लगावे छारा जोगी जते तपे सन्यासी अंग लगावे छारा मूल मंत्र सतगुर दाया बिन कैसे उतरे पारा मूल मंत्र सतगुर दाया बिन कैसे उतरे पारा कोई जानेगा जान नहारा साधो शब्द सवन से न्यारा जोग जग वर्त नेम साधना कर्म धर्म व्योपारा जोग जग वर्त नेम साधना कर्म धर्म व्योपारा सो तो मुक्त सवन से न्यारी सत छूटे जम द्वारा सो तो मुक्ति सवन से न्यारी सत छूटे जम द्वारा साधो शब्द सवन से न्यारा कोई जानेगा जान नहारा निगम ने तीजा के गुण गावे शंकर जोग अधारा निगम ने तीजा के गुण गावे शंकर जोग अधारा ब्रह्म विष्णु यह ध्यान धरत है सुप्रभु अगन्य पारा ब्रह्मा विष्णु यह ध्यान धरत है सुप्रभु अगन्य पारा कोई जाने जान नहारा लागा रहे चरण सतगुर के चंद चकोर की धारा लागा रहे चरण सतगुर के चंद चकोर की धारा कह कबीर सुनो भाई साधो नख सिख शब्द हमारा कह कबीर सुनो भाई साधो नख सिख शब्द हमारा साधो शब्द सवन से न्यारा कोई जानेगा जान करम से न्यारा सब तो न्यारा जी शब्द सब तो न्यारा हम आप लोगों ने ये शब्द सुन लिया मैंने परसों सुना मैं जो काम करता हूँ
अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वो बेहया लोगों को उपदेश करता है, तुम्हें क्या समझा? जो सवाल है कि मैं अपनी आत्मा से करता हूँ, मुझे गुरु बनने की आवश्यक नहीं थी। मैं साधारण हिंदू था, ब्राह्मी घर पैदा हुआ था, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म बार ब्रह्म को मानने वाला था। किस्मत मेरी अच्छी या बुरी या खोटी, दादा के चरण में ले गई, उन्होंने ये संत मत किया। कबीर साहब का, नारायण साहब का, रामी साहब की सिर्फ नहीं की कि इनके रस्ते पर चलो तब तुम मंदिर पहुँचोगे। अब मैं क्या हक नहीं रखता अपनी आत्मा से पूछने का कि ये संत क्या तू मंदिर पर पहुंच गया? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ, आपको नहीं कुछ भी कहता। मैंने क्या समझा, क्योंकि मैंने प्रण किया था इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं दुनिया को बता जाऊंगा। दादा दार ने कहा था कि आप चौरा छोड़ने से पहले टाइम को बदल जाए। मैंने बहुत कुछ टाइम को बदला है। कल रात को जगजीत सिंह डॉक्टर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था, रात को 8:30 मेरे मकान पर आया। उसके साथ एक अंग्रेज था, अमेरिकन, उससे जिक्र हुआ। मैंने अमेरिकन को बोला, मैंने कहा तू जहाँ इनके पीछे फिरता है, सुना तेरा ब्रह्मचर्य कितना गिरा? कहता 12 साल मैंने बुरी तरह से गिराया है, 12 साल मैंने बुरी तरह से गिराया है। तो ये तो तजर्बा मुझको हो गया कि इस लाइन पर जिन शख्सों के ब्रह्मचर्य गिर चुके हैं उनको जल्दी शांति नहीं मिलती। एक तजर्बा मेरा अपना ये है, मेरा अपना जिंदगी का तजर्बा है, मैंने दूसरों का तजर्बा बताया। अब रह गया ये शब्द योग, दुनिया सारी कोई 5 नाम जपता है, कोई 7 नाम जपता है, कोई रारंकार जपता है, कोई कुछ जपता है। मैं अपनी आत्मा से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जन मर जाएगा, ये तेरी 4 दिन की जिंदगी है, तेरे साथ किसी ने जाना नहीं। आज अगर तू इज्जत ले जाएगा यहाँ से, इज्जत तेरे साथ नहीं जाएगी। हर तरीके से तन कटा करेगा, कहाँ जाएगा? क्या तूने समझा वो शब्द कौन सा नारा परोस करी तू? साधो शब्द सबन से नारा, कोई जानेगा जानन हारा। साधो शब्द सबन से नारा। अब तुम सोचो, मैं क्या मैं अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता? क्यों वकील जन, ये जो कबीर ने कहा है शब्द सबन से नहरा है, तू उस शब्द को जानता है? तूने उस शब्द को समझा है? वो शब्द क्या है? ये सवाल है जो मैं अपनी ही आत्मा से, अपनी ही आत्मा को बचाने के लिए करता हूँ। आप लोग आ जाते हैं, आप लोगों का मैं एहसान मानता हूँ, मुझको मेरे कर्म काटने का मौका आप देते हैं। मैंने शब्द बसेरे सुने, घंटा संघ सुना, रारंग सुना, बसेरे अंदर के शब्द सुने। वो जितने मैंने शब्द सुने ये सबसे न्यारा है। या तो जहाँ ये लिखा हुआ होता है ना कि वो राम शब्द है, राधा स्वामी शब्द है, कंठा शब्द है, ये शब्द है, वो तो मैं मान लेता। वो तो कहते हैं वो सबसे न्यारा शब्द है,
वो सबसे नया शब्द क्या है? वो है सबसे नया शब्द ज्ञान। सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। लाख इंसान मैं अपना तजर्बा बयान किया जाता हूँ और चाहता हूँ कि इस वक्त के जितने मौजूदा या राधा स्वामी या नानक पंथी या बड़े बड़े महात्मा गुरु बने हुए हैं तो सब योग के तालीम देते हैं, तो अगर मैं गलत हूँ तो मेरा खंडन करें। मैं कोई दावा नहीं करता, मैं तो कोई समझता हूँ यही ठीक है। मेरी समझ में जो आया अपनी तसल्ली के लिए, अपने आत्मा को तसल्ली के लिए मैं ये बात कहता हूँ। वो तो मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वापस मुड़ के ना आवां। तुम लोग दुनिया चाहते हो, मैं नहीं चाहता। मुझे तो यकीन हो गया कि ये दुनिया दुख की खान है, यहाँ जन्म लेना महापाप है, औलाद पैदा करनी महागुनाह है। हम आप जो फंसे हुए हैं यहाँ और पैदा करके उनको फंसाते हैं। क्या वो शब्द है सबन से न्यारा? हाँ है। ये वो शब्द है जिसको सुन लेने से फिर हमारे अपने आप में किसी चीज की इच्छा तरब आए, ईश्वर को मिलने की चाह, गुरु की खिदमत, नेकी धर्म कर्म करने की कोई इच्छा नहीं जाती। ये मैंने समझा, ये मेरी समझ में आया। क्यों क्यों कभी की बानी पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखता है वो? योगी जते तपे सन्यासी अंगल गावे झारा, मूल मंत्र सत गुर दाया बिन कैसे उतरे पारा। अब लोग इन शब्दों को पढ़ के गुरुओं के पीछे दौड़ते हैं, गुरु दया करे, गुरु दया करे हमको वो शब्द लिखा दे, गुरु दया करे वो शब्द लिखा दे। गुरु दया करता है ये ठीक है, मगर आज के गुरु नहीं करते। क्यों? पहले तो आप लोगों को उस शब्द की जरूरत नहीं। तुम लोग मेरे पास आते हो, ये लड़का जवान आया है, ये सार शब्द के लिए आया है, ये दुनिया की ख्वाहिशों के लिए आया है। तुम लोग में कोई आता है कोई कहता पुत्र नहीं है, कोई कहता धन नहीं है, कोई कहता ये नहीं है, कोई कहता ये नहीं है, कोई कहता ये नहीं है। आप लोगों के लिए ये संत मत नहीं है। संत मत सिर्फ उनके लिए है जो हकीकत असलियत सच्चाई जिनको ये तजर्बा हो चुका है कि ये दुनिया जो है ये दुख की खान है। असली घर हमारा कहाँ है? परमानेंट अबोड, परमानेंट शांति चाहते हैं, उनके लिए ये संत मत है। आम दुनिया के लिए संत मत नहीं है। आम दुनिया के लिए वेद मार्ग है, जैसा ख्याल है तुम्हारा वैसा तुम्हारा हाल है, जैसी तुम्हारी मति है वैसी तुम्हारी गति है। टकरे मारते रहो तुम्हारे शाम तक, जो मर्जी करते रहो। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, आपको सत्संग नहीं कराता, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ये जन क्या वो शब्द तुमने देखा है, तुमने सुना है? गुरु तो बन गया है रामजादे, दुनिया को बताता है, गुरु बन गया, किताबें लिख देता, लेक्चर देता। मैं अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता कि तुम की जन तुमको जो शब्द वो आ गया है, जो कुछ मैंने समझा है, मैंने जी के प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, इस बात से कहता हूँ, दावा ये नहीं।
हाँ मुझे आया है उस शब्द का पता है, वो शब्द क्या है, जब से तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, मैं तो होता नहीं, न मैं जाता हूँ, न मुझे पता है, हजार आदमी मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रूप उनके अंदर जाता है, उनका काम कर जाता है, उनको दुआइयां बता जाता है, मुझे कोई पता नहीं। तो मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ उनके अंदर प्रकट होता है उसमें सच्चाई नहीं है, वो उनके अपने ही विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपने तराश का फल है। तो फिर मैं अब तराश करने जानता हूं किसकी, जो रूप रंग नहीं रखता। तुम्हारे अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ अमेरिका में, मैं तो जाता नहीं। यही जो रात को जगजीत सिंह आया है, इसने मुझे दो चीजें लिखी कि मैं लंदन में कमरे में सुबह 4:30 बजे दाखिल हुआ और इसको कहा तू, इसने मुझसे पूछा कि तू बता भाई, मैं 6 ईयर के लिए काम करना चाहता हूँ। वो कहता आपने कहा कामयाब हो जाएगा, जरूर कर, बचा की आई है, तुमने पैसा कुछ नहीं भेजा। उसने लिखा मैंने तार दिया है अपनी औरत को चांदे, वो आपको पैसा दे जाएगी, उसकी औरत यहाँ आई है 1 रुपया दे गई। फिर उसने मुझको लिखा एक दफा कि आप मानेंगे नहीं, मैं वेस्ट कैनेडा जा रहा था, रास्ते में बर्फ पड़ गई, तूफान गिर गया, तूफान ने हेलीकॉप्टर को उतरना पड़ा, उसमें हम सिर्फ छोटा हेलीकॉप्टर था, 2 आदमी थे, हमारे पास ना चाय थी ना कुछ थी, सर्दी लग रही थी, हवा चल रही थी, बर्फ पड़ रही थी। कहता सामने एक सर्कल नजर आया रोशनी का, उसमें मैं बैठा हुआ था, कहता था उसमें मैं बैठा हुआ था। मैंने उसको बुलाया कि यहाँ से 10 गज 12 गज के फासले पर रेड इंडियंस रहते हैं, वहां चले जाओ, 2 घंटे के बाद आसमान साफ हो जाएगा, दूसरे हेलीकॉप्टर आएगा, तुमको ले जाएगा। हम वहां गए, वहां नहीं कहा, आप कहेंगे आप नहीं गए मगर हमने आपको देखा। ऐसी बातें जब मैं सुनता हूं तो मैं तो होता नहीं, मुझे तो पता नहीं होता, तो मैं ढूंढने के लिए मजबूर हूं कि जाके नहीं, मैं तो राम को मिलने निकला था, ये मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे अंदर प्रकट होता है ये है नहीं, ये सिर्फ ख्याल हैं, सजेशंस हैं, इम्प्रेशंस हैं, तो इनको मैं छोड़ जाता हूं। इनको मैं जब अभ्यास में जाता हूँ, इनको अपने रूपों रंगों शक्लों सबको छोड़ जाता हूँ, बाकी क्या रह जाता है, प्रकाश है और शब्द। प्रकाश में रहता हुआ, शब्द में सुनता हुआ, उस चीज की तलाश करता हूँ जो चीज मेरे अंदर प्रकाश को शब्द को, वो जो चीज है वो है सबसे न्याजी, मेरी समझती हूँ। साधो साधो शब्द सबन से न्यारा, कोई जानेगा जान नहारा, साधो शब्द सबन से न्यारा। वहां जाके मुझे क्या हो जाता है, हर रोज जाया नहीं जाता, जब कभी जाता हूँ उस शब्द में सुनता हुआ, जब उसको देखना चाहता हूँ जिससे शब्द निकलता है, सब कुछ भूल जाता हूँ, न मैं है न तू है, न राम है न गुरु है न स्वामी है न सेवक है, क्योंकि मैं ही नहीं, एक तत्व रह जाता। जितने झगड़े थे मेरे, जितने झगड़े जिंदगी के हैं, सब खत्म हो जाते। मैं इसका नाम शायद
मुक्ति या विचार्य हक या विचार्य जात समझता हूँ। हो सकता है मेरी समझ गलत हो, मगर बाई कहती है सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी। जो आरती करते हैं राधा स्वामी मत की, राधा स्वामी नाम जो गावे तो तरे, कर करे सब ना सब सुख पावे सब दुख हरे, उसका आखिरी कड़ी यह है सुरत हुई अति कर मगनानी। क्या हो गया उसको? पुरुष अनामी जाए समानी, अनामी पुरुष के क्या मैंने? फिर ना उसको ये पता है कि मेरा जिसम है, ना उसको ये पता है मैं हूँ, ना उसको ये पता है मेरा रूप क्या है, ना उसको ये पता है मेरा रंग क्या है, ना अपना और ना भगवान का, परमेश्वर का या गुरु का। तो इन शब्दों से मैं जो कुछ मेरा अनुभव है, मुझे तसल्ली होती है कि मैं ठीक हूँ, गलती पर नहीं। समझ गए मेरी बात को? और यही कबीर साहब ने कहा है, सखिया वाह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। तो सारा सब लिखे आगे क्या लिखते हैं? जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहें कबीर हम जाना हमारी सेना, जो कोई समझे पावे पद निर्वाण। और यही चैत महीने में लिखा हुआ है, चैत महीना आया चेत सतगुर बांधा सतगुर सेठ। आखिर में लिखते हैं जहाँ पहुंचता है वो क्या है? नहीं सतनाम ना नाम अनामी। आखिरी स्टेज में ना सतनाम है ना नाम है और ना अनामी है। तो जो तो मैं आखिरी शब्द को क्या समझता हूँ? पड़ोस करी क्या कहता है कबीर? कोई जानेगा जानन हारा साधो शब्द सघन से न्यारा। वो शब्द है कौन सा शब्द? जो मन से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से नहीं, इसका सबूत सिर्फ इस एक ख्याल ने मुझे दिया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। इसी बात का पर्दा रख कर इस मजहब वालों ने, मैं उनको गलत भी नहीं कहता क्योंकि तुम लोग उस तालीम के हकदार नहीं, हम लोगों को लूटा, हम लोगों को अपना जानवर बनाया, हम लोगों को अपना जानवर बना लिया। आते रहो हर महीने रुपया देते रहो और धन गुरु करते रहो, बस ये एक चक्कर चल रहा है। ये चक्कर से मैं उम्र सारी खो दी सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। कौन हिंदू है जो ये सुन सकता है कि राम कृष्ण काल के अवतार प्राणा ऐसा सबका खंडन। तुम सिख हो, तुमको जरा भी गुरु गोविंद सिंह साहब के बस साहब या गुरु ग्रंथ साहब के साहब कुछ बात क्या दे, सिर पाड़ने को दौड़ते हो। मुसलमान को कुरान शरीफ के बरखिलाफ कह दो वो देखो सिर पाड़ता। हमने ये शब्द कबीर के सुने, दुख था, मगर चूंकि मेरा विश्वास था, क्योंकि मेरा विश्वास था दादा जाल पर, वो टूटा नहीं, पानी मुझको फेर नहीं देती। हुक्म था गुरु की सेवा करो, हमसे जितनी हो सकी हमने की। सोने के तार बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, रेशमी कपड़े बनाए, सोने के जले बनाए, सिंघासन बनाए, थूक खाए, सब कुछ किया, बात समझ में नहीं आई। रोया करता था कहाँ फंस गया मैं। दाता ने दया की, उन्होंने कहा कि काम दिया, कहा कि तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो आप लोगों की दया से मुझे इस असलियत का पता लगा कि
असली सार शब्द क्या है, जिसको सुनने के बाद फिर इंसान की अपना हस्ती जो है उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, अपनी फर्जियत खत्म हो जाती है। सुरत हुई अति कर्म ज्ञानी पुरुष अनामी जाय समानी, कोई कबीर ने कह दिया जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहें कबीर हम जाना। वही राधा स्वामी जाय ने कह दिया आखिरी कड़ी में ना सतनाम ना नाम अनामी। आगे पढ़ो। जोगी जते तपे सन्यासे अंग लगावे छारा, मूल मंत्र सत गुरदाया बिन कैसे उतरे कारा। बिना तुम लाख अभ्यास करने वाले हो, तुम लाख शब्द अभ्यास सुनते हो, अगर तुम ये गुरु कोई पूरा नहीं मिला तो तुम्हारा शब्द अभ्यास तुमको तार नहीं सकता। बिल्कुल गलत, कभी मैं ये सुना करता था। क्यों कहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ ये नई थ्योरी मैंने निकाली है। अंग्रेजों ने स्विट्जरलैंड के, अंग्रेजों ने यूके यूएसएसआर यूएसए फ्रांस के अंग्रेजों ने तजर्बे किए हैं मरने वाले को सेंसिटिव स्केल पर रखा, यानी वो यानी तराजू जिसमें रत्ती मात्रा अधि रत्ती भी फर्क अगर आ जाए तो वो बता सके, उसका नाम है सेंसेटिव सुके। जब जीव मरा उसकी जान निकली तो जो कुछ निकला अंदर से उन्होंने बाहर स्क्रीन पर पर्दा रखा के उसको देखा, वो निकल के गया बाहर। तो जो मरने वाले का जिस्म था कोई 15 ग्राम का था, कोई 20 ग्राम का था, कोई 10 ग्राम का था, इससे साबित हुआ कि जो चीज अंदर से उसके निकल के निकली है वो 10 ग्राम पारी थी या 15 ग्राम पारी थी या 25 ग्राम पारी थी। अब जो चीज पारी है उसको जमीन की कशिश खींचेगी, जो चीज पारी है उसको जमीन की कशिश खींचेगी। तुमने लाख शब्द योग किया हुआ है, लाख फकीर चंद के या बाबा सावन सिंह के या कृष्ण के या राम के पैर तोड़ोगे तुमने पिए हुए हैं, लाख तुमने दान किया हुआ है, लाख तुमने कानों में उंगलियां डाली हुई है, अगर अंत समय तुम्हारा शरीर भारी है तो जो कुछ तुम्हारा किया हुआ है योगी यति तपी सन्यासी वो पार नहीं जा सकता, उसका आवागमन खत्म नहीं होगा, उसको आना पड़ेगा क्योंकि जमीन की कशिश उसको फेंकेगी। ये है, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई झूठ है तो मुझे बता दे, कोई बताए। मैं तो चाहता हूं मैं 36 साल से काम कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मौजूदा महात्मा मेरा खंडन कर दें सबूत दे के, मुझे कोई अफसोस ना होगा, क्योंकि मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है, मेरा अनुभव है। अगर स्वामी दयानंद को 27 प्रकाश लिखने का हक था, हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ लिखने का हक था, दाता दयाल को 5000 किताब लिखने का हक था, और संत कृपाल सिंह को गुरुमत सिद्धांत लिखने का हक था, तो मुझे भी हक है भाई। मैंने 92 साल का हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में क्या देखा, उन्होंने हवाले दिए किताबों के, ग्रंथ साहब पहली पातशाही की ये कहगी, दूसरी पातशाही ये कहगी, तीसरी पातशाही ये कहगी, गीता ये कहगी, मेरा दिल उदास हो गया। क्यों? जिस कृष्ण के मुंह से 18 अध्याय अर्जुन ने सुने, भागवत तो कहता है कि वो नरक में गया,
भागवत कहता है कि पांचों पांडे और पांचों सारे कौरव सब नरक में गए। युधिष्ठिर जिसने सारी उम्र सच बोला, एक थोड़ी सी पॉलिसी की, अश्वत्थामा हता न जानाती नरा वा कुंजरा, उसको भी धर्मराज ने कहा तुझको ढाई घड़ी का नरक है। तो जब वो ढाई घड़ी का नरक भोगने के लिए गया, तब उसने अर्जुन वगैरह को मिला सबको। ये वो कहते हैं, अब मैं गीता का किस वास्ते हवाले दूं? जब मैं देखता हूं तो गीता का सुनने वाला भी तो नरक में गया, एक छोटी सी पारसी करने वाला युधिष्ठिर भी नरक में गया। तो अगर आप लोग आते हैं, मैं आप लोगों से सच्चाई का व्यवहार नहीं करता, तो मेरा क्या हाल होगा? जो कुछ मैंने समझा है, अगर ये ठीक है और यही कुछ इन पिछले गुरुओं के साथ या मौजूदा गुरुओं के साथ होता है और ये सच नहीं बताते, ये कोई भी सत्य लोग नहीं गया, सब कहीं नरक में, जितना कौरव पांडव नरक में गए, ये भी कहीं सब नरक में होंगे। अगर जो कुछ मैंने समझा है यही इनके साथ ही बीती, तो मुझे तो कुछ पता नहीं होता, लोग मेरा ध्यान करते हैं उनके काम हो जाते हैं, हजार आदमी मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रूप उनको दुआइयां बता देता है, उनकी बीमारियां दूर कर देता है, मेरे बाप को पता नहीं, ये क्या खेल है मैं समझ नहीं सकता। जब कभी सोचता हूँ कि बात क्या है तो दिल में उदासी आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ कहाँ फंस गया, मत हो, अगर मैं लाभ मत बढ़ा था तो अच्छा था। अभी किसी इन मतों का मैं पैरावकार ना होता, क्या कहूं, मैं हिंदू हूं। वो गीता को लिए फिरते हैं, वो गीता का सुनने वाला तो नरक में चला गया, तो गीता को हमारे हमारा क्या बनाएगी? ये जो कुछ बनाएगा इंसान के अपना अमल और अपना कर्म बनाएगा। अच्छा, सिख है, ग्रंथ साहब को मानते हैं, सुखमणि साहब को मानते हैं। सुखमणि साहब में गुरु अर्जुन देव ने लिख दिया, प्रभ चरण से पदवंते, प्रभ चरण से तनवंते, प्रभ चरण से दुश्मन चले। तो गुरु अर्जुन देव के भाई ने किसी दुश्मन उनके साथ की, जिसका ये मतलब हुआ कि जो कुछ सुखमणि साहब में लिखा, या तो गुरु अर्जुन देव ने प्रभ चरण नहीं किया या वो यूं ही लिख गए। मैं जाऊं तो किधर जाऊं, कोई मुझे बताता नहीं, इस वास्ते मैंने सब सारे मतलब छोड़ दिए, सारे धर्म छोड़ दिए। क्या हो गया, एक शरणागत आत्मा मानता है कि दुनिया का कोई पैदा करने वाला है, कोई ताकत है, बस आई सरेंडर टू हिम, मैं अपने आप को उसके सपोर्ट करता रहता हूं। पिता था, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ भी जाना, जिस तरफ तेरी मर्जी है तू ले जाए। इन मजबों ने, इन पंथों ने मेरे दिमाग को पागल कर दिया। किसी मजहब किसी पंथ का मैं पैरोकार नहीं रहा, आपका जी चाहे आप मेरे पास आया करो, आपका जी चाहे ना आया करो, हाथ बांध देता हूँ। मैंने क्या लेना, मैं सच्चाई चाहता था, भगवान को मिलना चाहता था कि मेरा राम कहाँ है, मैं कहाँ से आया। अब मुझे पता है क्या, जहाँ से मैं आया हूँ वो हालत है जहाँ मैं ही नहीं रहता, मुझको अपनी होश ही नहीं रहती, ना सतनाम ना नाम अनामी, जहाँ पुरुष कहाँ कुछ, मेरा अंजाम जिंदगी क्या हो मुझे कुछ पता नहीं, कैसे मरूंगा ये मुझे पता नहीं, मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, बुरा हो या अच्छा हो मुझे अफसोस नहीं, जो मैंने खोटे कर्म पिछले जन्म के किए हुए हैं या इस जन्म में किए हैं
उनका फल पहुँचने मैं खुश हूँगा। मगर कल सब निकला था तो ख्याल आया, अब कबीर ने क्या कह दिया, क्योंकि दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। मैं जो समझा वो कहता हूँ, कोई दावा नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। पढ़ो शब्द को शुरू से। साधो शब्द सवन से तुम मर गया, मैं सारी जिंदगी शब्द योग करता करता मर गया, तलवार की धार पर चला। अब वो मुझे सोचना नहीं चाहिए कि वो शब्द कौन सा न्याय जो कबीर कहता है। वो शब्द वो न्यारा है जो मैंने समझा है, शायद मैं गलती पर हूं। जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर जाता है, वो मैं नहीं होता, तो मैं जिस्म को भूल जाता हूँ, मन को भूल जाता हूँ, प्रकाश को भूल जाता हूँ, जो बाकी चीज रह जाती है शब्द, उसमें उस चोट की तलाश करता हूँ जो शब्द से सुनती है। उस वहाँ अनुभव होता है और सूरत शब्द का यही असूल है। स्वामी जी कह गए, सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। यहाँ मुझे शांति मिली। मैं शायद गलत हूँ, ऐ मेरे बनाने वाले, ऐ भीमा जी, मुझे कुछ पता नहीं, जिंदगी कई तलाश में गुजर गई, पता नहीं मैं जो समझाया ठीक है या गलत, जो तेरी मौज हो वो करा ले। तो मैं कबीर साहब के साथ अपने अन्न से सम होता हूँ। आगे बढ़ो। योगी जति तपी सन्यासी अंग लगावे चारा, उतने पार कहाँ जाना है, अपनी हस्ती को मिटाना है तभी तो पार जाओगे, और क्या होगा। इन बाणियों ने मेरे दिमाग को खराब किया था। मैं देखना चाहता था कि इन संतों की बाणियों में के रस में असली चीज है क्या। कौन अपने बुजुर्गों की निंदा सुन सकता है, माफ करना। इन संतों ने कृष्ण को, राम को काल का मत ठहराया। इन संतों ने मुसलमानों को अधूरा बताया। इन संतों ने वेदांत को अधूरा बताया। इन संतों ने सूफीज्म को गलत बताया। दिमाग खराब होता था, कहाँ फंस गया मैं। सच्चाई है क्या, हकीकत है क्या, मैं आया कहाँ से हूँ, कहाँ जाऊँगा। इसी खबर में मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी। कुछ मेरा अपना प्रण था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, कुछ दाता का हुक्म था, कुछ बाबा साहब से ने कहा निर्भय होकर काम कर जा, इसलिए मैं काम करता हूँ। आप लोग आ जाते हैं जो मई आई हुई है तीन दिन के लागत, मैं फील करता हूँ। आई फील क्यों आई है, इनकी इच्छा होगी। सोचता हूँ वकील सन मकड़ी का जाला बना लिया, क्या तू किसी को कुछ दे सकता है। मेरे पास माइयो गुड विशेष है, शुभ भावना है, जिस गर्ज के लिए तुम आई हो मार तुम्हारी गर्ज पूरी करे, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। जो कुछ किसी को मिला मिलता है उसका विश्वास है। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ
उसको तुम लोग सुनने को तैयार नहीं। तुम लोग तो मेरे पास दुनिया के खासों के लिए आते हो, और बच्चा हुआ वो तरक्की करना चाहता है, किसी को खावन से तकलीफ है, किसी को पुत्र से तकलीफ है। ये तो संसार जब से बना है तब से चलता आया और ऐसा होता रहता है। तो कहते हैं योगी जदी तभी सन्यासी जो हैं वो क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे अपने मन से करते थे। योग भी मन से होता है, तप भी मन से होता है, अंग भूति लगा मन से करते हैं। तो मन तो नाशमान चीज है, ये तो है नहीं। आगे योग जागे बरते नेम साधना कर्म धर्म व्योपारा तो मुक्ते सबन से न्यारी कस छोटे जम द्वारा। वो कबीर कहता है वे जितने काम है जो मन के है ये मुक्ति का कारण नहीं है। तो मुक्ति का कारण फिर क्या हुआ, मैं खुद पूछता हूँ। मुक्ति वो अवस्था है जहाँ हम ही नहीं रहते। कोई ऐसा कह देता है, कोई कह देता है भाई एक तत्व रह जाता है, दोनों का मतलब एक ही। मुझे तो अभी मुझसे वहां ठहरा नहीं जाता। मुक्ति पद में आपको सच्ची बात कहता हूँ, दूर से बोलता हूँ, रास्ता मुझे मिल गया, कुछ ठहरता भी हूँ मगर हमेशा ठहरा नहीं जाता। समझ में ये आया है कि वो अवस्था है जहाँ न मैं है न तू है। आगे निगम ने तीजा के गुण गावे शंकर जोग धारा ब्रह्म विष्णु जेहे ध्यान धरत है सो प्रभु अगम अपारा। वो जो प्रभु अगम अपार से क्या हुआ, वो एक हालत है प्रभु। अब कबीर ने नृत्य दिया, मेरे पास कबीर होता उसको पूछता तुम्हें क्या पता है ब्रह्मा किसकी किसका ध्यान करता है। अगर कबीर होता तो मैं उससे पूछता तू बता कबीर साहब आपको क्या पता है कि ब्रह्मा किसका ध्यान करता है, शिव किसका ध्यान करता है, मैं पूछता उससे, कोई जवाब नहीं देता। वाणी को इस तरीके से बता दिया गया है कि हम लोग उलझाए हुए उसमें उलझ जाते। मैं खुद उलझा हुआ था, अब भी मैं नहीं कहता कि जो कुछ मैंने समझा कि उलझा हुआ नहीं, मैं तो एक समझ गया एक है कोई ताकत जिसने दुनिया बनाई, बस उसकी सपोर्ट करता रहता हूँ अपने आप जहाँ तक मेरा दिल करता है। मगर बाद वक्त ये मन ऐसा चंचल है ये भी गिरा देता है मुझको। आगे लागा रहे चरण सतगुरु के चंद चकोर की धारा। अब लोग कहते हैं सतगुरु के साथ लगे रहो चंद चकोर की तेज धारे करते रहो, मैं इसको नहीं मानता। दुनिया सतगुरु को बात समझाता, सतगुरु ब्रह्म रूप है, पार ब्रह्म अपने अंत प्रकाश को पकड़े, बाहर के गुरु के ध्यान करने से उसकी सेवा करने से तुमको बाहर मुखी से अंतर्मुखी जाने का मौका मिलेगा। वो भी इस शर्त पर कि अगर कोई बाहर का गुरु कोई बाहर का गुरु इंसान हो तो, अगर हैवान है शैतान है, तुमने कह दिया गुरु शैतान। हम अगर मैं आप लोगों से सच्ची बात नहीं कहता और अपने मतलब के लिए हेरा फेरी करके आपको अपने जाल में बताना चाहता हूँ तो क्या मैं शैतान नहीं हूं, तो क्या मैं शैतान नहीं हूं। इस वास्ते मैंने
गुरु मत में सबर किया है, मैंने देखे हर जगह धोखा, हर जगह प्रेम, कोई सच्ची बात होता था। और अगर बता भी दे सच्ची बात तो आप लोग सुनने को तैयार हैं। लोग मरते हैं, मेरा रूप जाता है, ले जाता है, मेरे बाप को पता नहीं। और अगर सचमुच बाबा सावन सिंह या चरण सिंह या दूसरे जी हैं, इनका रूप जाता मरते समय लोग सब कहते हैं, अगर ये नहीं जाते पब्लिक को नहीं बताते तो इन जैसा मुजरिम है कौन, इन जैसा और मुजरिम है कौन, बताओ मुझे। मैं डर गया, मैं संतों साधुओं के इतनी जिंदगियां देखी, ये डाय जो मेरे बड़े डर, मुझे खुद पता नहीं मैं कैसे मर लूंगा, और कम से कम मुझे इतना अफसोस नहीं होगा कि मैंने इस जिंदगी में कोई चौके का काम किया, सिवाय चंद गलतियों को जो मैंने 16-17 साल उम्र में की, मैंने और कोई पाप नहीं किया, किसी का हक नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला, अपने फर्ज को पूरा किया, औरत से फर्ज को पूरा किया, लड़के से पूरा किया, लड़की से पूरा किया, जितना मुझसे हो सका उतना भगवान को याद करता रहा। किसी वक्त मन जरूर मेरा गंदा हुआ, मैं झूठ बोलता नहीं, मगर मैंने जिसम के तौर से कोई बुरा काम नहीं किया जितना मुझसे हो सका। तो मेरे घर में ये ड्यूटी लगा गई थी, बाबा चावन ने कहा था मैं बैठो काम करो, मैं ये क्या पा पिटता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, मैं ये समझता हूँ मैं क्या पा पिटता हूँ, अपने कर्मों को, कर्मों का मेरा अपना कर्म फल है, तो आप लोग आ जाएंगे, मैं आपको क्या करूँ, अपना तजर्बा बताता हूँ। ऐ इंसान तुझको दुख मिलेगा ये तेरी नियत का फल, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना अपना ही किया गया। अगर ये नहीं मानता तो ये मान कि जिसने ये दुनिया पैदा किया है वो है बड़ा बेईमान। अगर आप कर्म को अपने को नहीं मानते तो ये मानना पड़ेगा कि जिस ताकत ने दुनिया पैदा की है वो जालिम है, उसने हमको खाम खा फंसा दिया, ना हमने को कसूर किया, ना हमने को पैदा कोई गुनाह किया। बच्चा पैदा होता है अंधा हो जाता है, किसी को पोलियो हो जाता है, किसी को फिर मैं बर्बाद किया हूँ, कभी बच्चों के देखे कोई देख किया हूँ डर लगता है सबल देखती हूँ। दो बातें तो संत आते हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि दुनिया ऐसी है इससे निकल जाता है, ये पता नहीं संत निकले कि नहीं निकले आप, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं कि संतों का आवागमन गया या कि नहीं गया, हमें क्या पता। जब हम सुनते हैं राणा आदमी ब्यास वाले कहते हैं हमारे अंदर बाबा सावन सिंह प्रगट हुआ, उसने यह क्या किया, और जब मैं जिंदा नहीं जाता कैसे मानूं कि संत के बाद सिंह या संत बाबा सावन सिंह या राम जो अयोध्या में पैदा हुआ था वो या कृष्ण बना गया, दूर समझता देखता हूँ पिछले जन्म के मेरे कर्म थे। मैं जीता इसका मानव मंदिर बना रहा था तो मैं उसकी को कर्जा तो किसी का देना नहीं, जब तक चलता है चलाऊंगा नहीं, अस्पताल बंद कर दूंगा, काम बंद कर दूंगा, मैं को किसी का कर्जदार तो हूँ नहीं। मेरे समय ये जरूरी ड्यूटी है, मैं जरूरी अस्पताल रखूँ या जरूरी ये काम करूँ, आई एम नॉट बाउंड फॉर, मैंने किसी कर्जा नहीं देना। ये तो इसलिए मैंने खोला था कि गवर्नमेंट जो होती है जो पैसा आता है वो चाहती है उसी साल ख़त्म हो जाए, जितना आए ख़त्म कर दे, क्योंकि ख़त्म नहीं होता था इसलिए होम्योपैथिक अस्पताल खोला, दुआ अस्पताल खोला, अब वो जिंदगी फंस गई। अब 92 साल की उम्र की बाहर गया था मैं, लोगों को ताड़ने गया था, एक सच कहने के लिए गया था, एक 4 पैसे मंदिर के लिए लाने के लिए गया था, किसी पर कोई एहसान तो नहीं किया, यही कहता आया। तो आप लोग आ जाते,
मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। I feel the greatest responsibility on my head. दुखी लोग मेरे पास आते हैं, मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ, शुभ भावना देता हूँ बस। जो लोग विश्वास कर जाते हैं उनके काम हो जाते हैं। जितना खेल है सब तुम्हारे मरने की गत कहीं ना जाए, गुरु नानक साहब की वाणी है। मरने की तुम्हारा विश्वास काम करता है, हमेशा आशावाद रहा करो, बुरी बात नहीं सोचने, मारी गल नहीं सोचने कि तुम्हारा ये ख्याल तुमको मार देता है। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अच्छे ख्याल। तो आज मैंने सत्संग आपको दे दिया, सच्चे दिल से चाहता हूँ बच्चा तुम आते हो, तुम लोग आते हो, तुम लोग आते हो, सच्चे दिल से चाहता हूँ दाता आपने काम दिया था। अब मेरी इज्जत ही कोई नहीं, अपने नाम की लाज आप रख के दुनिया के दुखी लोग प्राणी आते हैं उनको सुख मिल जाए, सुख कामना देता हूँ। राधा स्वामी आरती करते।